Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chaliha and I am Pushpanjali Chaliha। So आज हम लोग क्लास 5 की NCERT EVS की बुक लेकर आए हैं लुकिंग अराउंड, और उस लेसन से हम लोग लेसन नंबर 22 ऑन द मूव अगेन इस लेसन को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी साथ में करेंगे। सो फर्स्ट मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अलग अलग जगह के हैं, कोई गांव से है, कोई सिटी से है, तो क्या आप लोगों ने कभी किसानों की दुनिया देखी है, किसानों के गांव देखी है? वे लोग का उनका रहन सहन, खान पान, जीवन शैली और रहने की ढंग, तो उनकी भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी मुश्किलें आती है। तो थोड़ा बहुत इसी को लेकर हम लोग इस लेसन के साथ आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन ऑन द मूव अगेन। अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट धानूज विलेज। दिस इज अबाउट धानूज विलेज। टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धानूज हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा। दशहरा सेलिब्रेशन के लिए सारे रिलेटिव जो हैं धानु के घर आए हुए थे। They have come with their luggage in their bullock carts. Bullock carts यानी कि बैलगाड़ियों से उनकी लगेज, उनका सामान आया था। ओके बच्चों, आप में से सब कोई जानता होगा दशहरा। दशहरा में क्या होता है, वो रावण का पुतला जलाया जाता है, तो उसी के लिए सारे लोग आए हुए थे उनके रिलेटिव्स। किससे आए थे? बुलक कार्ट से आए थे। धानू's फादर इज द एल्डेस्ट इन द फैमिली। धानु के जो फादर हैं वे सबसे बड़े हैं घर के। सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस। इसीलिए हर फेस्टिवल को उन्हीं के घर में, जबकि धानु के फादर बड़े हैं तो सारे छोटे, उनसे छोटे सभी उन्हीं के घर में सेलिब्रेशन करते हैं सारे फेस्टिवल्स। Dhanu's mother I, the wife of mother's brother Mami, and the wife of father's brother Kaki are busy making puran poli, sweet rotis made from jaggery and gram। तो धानु की जो मम्मी है उसे वो लोग आई कहते हैं, फिर वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर दैट मीन्स मामी जी और काकी जी जो है वो पूरन पोली बना रहे थे। वो किस चीज की बनती है? एक रोटी होती है जो कि गुड़ और ग्राम यानी कि काला चना उसकी बनती है। अलॉन्ग विद दिस स्पाइसी कड़ी डिशेस आल्सो मेड। और इसको खाने के लिए, पूरन पोली को खाने के लिए एक स्पाइसी, बहुत ही स्पाइसी यानी कि मसालेदार एक कड़ी बनती है। द डे पासेस इन लाफिंग एंड चैटिंग। उन दिनों जब दशहरा के टाइम था, सारे लोग आए हुए थे तो दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे। वे लोग बहुत बातचीत कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे और हंसते गाते गुजर रहा था। बट बाय इवनिंग एवरीवन्स मूड चेंजेस। द वुमेन एंड द चिल्ड्रन बिगिन टू पैक देयर लगेज। लेकिन शाम होते होते सबकी मूड अलग चेंज हो गया था और दे हैव स्टार्टेड टू पैक देयर लगेज। दैट मींस वो लोग अपना बैग पैक करने लगे थे, अपना सामान। द मैन सिट डाउन विद द मुकदम एजेंट who lends money for the meeting। मीटिंग करने के लिए जो एजेंट होते हैं, मुकदम कहा जाता है उन्हें, वे उनके साथ एक मीटिंग करने के बाद ही सबने अपना सामान बांधना स्टार्ट कर दिया था। द मुकदम गिव्स द डिटेल ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। मुकदम ने आके सभी फैमिलीज ने कैसे कैसे कितने कितने लोन लिए थे उसके डिटेल्स आकर बताए। देन The talks for the next few months begin. The Mukaddam explains to the villagers in which areas they would go for the next 6 months. उसके बाद उनकी फैमिली के बीच में बातचीत स्टार्ट होती है। कुछ महीनों के लिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो मुकदम उसी के बारे में बताते हैं। He also gives them some money as loan for their expenses. और वे कुछ पैसा उन्हें देते हैं फिर से, ताकि वे अपना कुछ खर्चे के लिए भी रख सकते। Ever since Dhanu remembers, this has been the routine। धानु को जब से याद है ये एक रूटीन टाइप बन चुकी है कि हमेशा इसी तरह से मुकदम आते हैं, लोन के बारे में बताते हैं और लोगों को दूसरी जगह जाने पड़ती है। Families like Dhanu's work on the lands of big farmers till Dussehra. दशहरा तक धानु के जैसे जो किसान की फैमिली होती है वे एक जगह काम करती है। बिफोर द रेनी सीजन, दशहरा तक रेनी सीजन से पहले, यानी कि उसके बाद रेनी सीजन स्टार्ट हो जाती है, तो वे एक जगह काम करती है। मेनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स, और इसी तरह के बहुत अलग फैमिलीज भी होते हैं दूसरे जो कि इस तरह के जमीन में काम करते हैं दशहरा से पहले महीने तक। They earn just enough money to keep them going through these months. और उसके बाद इन दिनों के और इसमें खेती करके उनकी ज्यादा कोई लाभ नहीं होती है, बल्कि बस इन दिनों तक चलने के लिए 6 महीना बाकी के चलने लायक कुछ पैसे उनके पास आ जाते हैं। But how to manage the remaining 6 months? और जो बाकी के 6 महीने होते हैं वो कैसे उन्हें अभी मैनेज करने हैं, कैसे वो लोग गुजारा करेंगे? When there is no rain and no work in the field, so everyone borrows money from मुकदम. जब कोई बारिश नहीं होती है और कोई काम, जब बारिश नहीं होती तो क्या होता है कि उनके यहाँ कोई काम नहीं होती है, मीन्स खेती में कोई काम नहीं होती है, तो तब मुकदम से ही वे लोग पैसा लेकर उन दिनों के लिए गुजारा के लिए मुकदम से ही पैसा लेते हैं। To pay back this money, they have to work for the मुकदम, और इसी मनी को रिटर्न करने के लिए फिर मुकदम का ही काम उन्हें करना पड़ता है। मुकदम इज एन एजेंट फॉर शुगरकेन फैक्ट्रीज। मुकदम जो है वो एजेंट है शुगरकेन फैक्ट्रीज का। ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगरकेन फील्ड्स, और मुकदम के लिए जब काम करना पड़ता है तो उन्हें फ्री में शुगरकेन फील्ड्स में काम करने पड़ते हैं। मीन्स 6 महीने भी दूसरे के फील्ड में करते हैं, जो बिग फार्मर्स है उनके फील्ड में जाके करते हैं, फिर मुकदम से पैसा ले लेते हैं और नेक्स्ट 6 महीने मुकदम के लिए शुगर केन की फील्ड में फ्री में काम करना पड़ता है, तो उनको कोई फायदा तो हो नहीं रहा था। Tell, did all the farmers in Dhanu's village have their own land? क्या धानु के गांव के सभी फार्मर्स के पास अपनी जमीन थे? No. Only big farmers had their own land in Dhanu's village. Small farmers like Dhanu worked on big farmers' land. बड़े farmers के किसानों के पास land थे और छोटे farmers जो हैं वे बड़े farmers के यहाँ काम करते थे। During what time of the year did Dhanu's family get work in the village? During what time did they not have work? किस समय में धानु के फैमिली को अपने गांव में ही काम मिल जाता था? धानु's फैमिली मैनेज टू गेट वर्क फ्रॉम मई टू अक्टूबर। मई के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक में उन्हें काम मिल जाता था। दैट इज फॉर 6 months, विच इज द रेनी सीजन। फॉर द नेक्स्ट 6 months आफ्टर दशहरा, दैट इज नवंबर टू अप्रैल, They did not have any work in the village. उस समय में नवंबर से अप्रैल के महीने में उनके पास कोई काम नहीं रहता था। Do you know of any families like Dhanu's who have to leave their villages for months in search of work? क्या आप में से कोई जानते हैं कि धानु के जैसा ही कोई फैमिली जिसे कि बहुत महीनों तक काम की खोज में अपने गांव से बाहर रहना पड़ता है? हाँ, आप में से कोई जानते होंगे तो यस लिखिए, कोई नहीं जानते होंगे तो नो लिखिए। और ये एक तो बात ये है कि ये बहुत ही दुख की बात है कि लोगों को अपने गांव से बाहर रहना पड़ता है काम की खोज में पैसे कमाने के लिए। तो इस तरह का घटनाएं होती रहती है, हम लोगों के सामने भी आती रहती है, आप लोग भी देखिए कहाँ कहाँ होती है। नाउ थिंक एंड फाइंड आउट, इफ पीपल इन धानु's village did not leave the village in search of work, what difficulties would they face in their own village? अगर धानु के गांव के जैसे गांव में लोग काम की खोज में बाहर ना जाते तो उन्हें क्या तकलीफें हो सकती थी उनके अपने गांव में। इफ पीपल इन धानूज विलेज डिड नॉट लिव इन सर्च ऑफ वर्क देन दे वुड हैव नो मनी टू बाय फूड एंड अदर नीड्स। तो जिन दिनों उनके यहाँ काम नहीं होता, बारिश नहीं होती, उन दिनों के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं रहते। दे वुड कम अंडर द डेप्ट ऑफ लोन, डेप्ट यानी कि कर्जे के भार में नीचे आ जाते। टेकन फ्रॉम द मुकदम एवरी ईयर विच दे हैड टू रिटर्न आफ्टर अर्निंग मनी बाय वर्किंग आउट ऑफ द विलेज, जो कि मुकदम से लिए पैसे के लिए फिर उन्हें गांव के बाहर जाकर ही काम करना पड़ता। इन धानूज विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देयर इज नो rain. Do you think farming can be done even without rain water? How? धानु के गांव में जब बारिश नहीं होती तो कोई भी खेती नहीं होता था। क्या आपको क्या लगता है, बारिश जब नहीं होती है तब भी हम लोग के गांव में खेती हो सकती है? Yes, of course, हो सकती है। Yes, farming can be done without rain water थ्रू इरिगेशन। अगर हमारे सिंचाई हो, इरिगेशन सिस्टम ठीक हो तो हमारे यहाँ पे फार्मिंग हो सकती है। इरिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स मैनुअली थ्रू वेल्स, ट्यूब वेल्स, कैनल्स, हार्वेस्टेड रेन वाटर एक्सेट्रा। हम लोग इरिगेशन के लिए ट्यूब वेल्स, डीप ट्यूब वेल्स लगते हैं, वेल्स लगते हैं, ताकि साल भर खेत में पानी रहे और खेती हो पाए। In the next few months, Dhanu, his parents, his kaka, father's brother, and yani ki kaka yani ki chacha, and his two elder children, his mama, mommy, and their two daughters. Kon kon? Next few months के लिए Dhanu, his parents, उसके मम्मी, पापा, his kaka, उसके चाचा जी, and his two elder children, और दो बच्चे, his mama, mommy, and their two daughters. उनके मामा, मामी और उनके भी दो बच्चे। एंड 40-50 अदर फैमिलीज फ्रॉम द विलेज विल स्टे अवे फ्रॉम होम। कम से कम 40-50 फैमिलीज अपने गांव से दूर रहेगी नेक्स्ट 6 months के लिए। इन दीज 6 months, Dhanu एंड मैनी चिल्ड्रेन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। और इन 6 महीनों के लिए Dhanu जैसे ही और भी कई फैमिलीज के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। Dhanu's old grandmother, aunt, who cannot see, and 2-month-old cousin sister would stay back in the village. Dhanu के old grandmother यानी कि बूढ़ी दादी अम्मा, aunt, who cannot see और एक aunt है जो आंखों से नहीं देख पाती है, and 2-month-old cousin sister would stay, 2 महीने की एक cousin sister शायद चाचा की बेटी हो, वो भी नहीं जा पाएगी। उन्हें अपने गांव में ही रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि उनमें कुछ डिसेबिलिटीज है। एक तो छोटा बच्चा है जो उसको कहाँ लेके घूमेंगे, फिर जो आंख से नहीं देख पाती है उन्हें लेके घूमना भी मुश्किल है काम की खोज में, और दादी जो कि अभी बूढ़ी हो गई है उन्हें लेके भी घूमना मुश्किल है। ये देखो, बैलगाड़ी से लोग काम की खोज में दूसरे गांव को निकल रहे हैं। इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड। और बाकी सभी के घरों में भी इसी तरह से ओल्ड पीपल और जो छोटे और बीमार लोग हैं वे वहीं रह जाते हैं। Dhanu misses his grandmother a lot. Dhanu जो है उसको बहुत लगाव था अपनी दादी से, तो वे उन्हें बहुत मिस करती है। Dhanu always keeps wondering who will take care of his grandmother, but what can Dhanu do? वो हमेशा सोचता है कि उसके नहीं रहने से या उसके पापा के नहीं रहने से उसके ग्रैंडमदर को बहुत परेशानी होगी, कौन देखभाल करेगा उनका, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता ही है। तो सोचो तो जरा, थिंक अबाउट दिस। Dhanu's family and many others from the village go far away for work, but Some people stay back in the village. Why does this happen? किस लिए कुछ लोग गांव से काम के खोज में निकल जाते हैं मगर कुछ रह जाते हैं? तो इस तरह से किस लिए होता है? Answer. While Dhanu's family and many others went far from the village in search for work, the old and ill people stayed behind. Also, there were very young kids who stayed behind. This is because they could not have traveled. Because वे लोग इतना travelling नहीं कर पाएंगे. When Dhanu and other children leave the village for 6 months. What happens in the village school? जिन 6 महीनों के लिए बच्चों ने गांव छोड़ी है, उन 6 महीनों में विलेज का, गांव के स्कूल का क्या होगा? When Dhanu and other children leave the village for 6 months, the village school gets students from the families of big farmers only. जो बच्चे रह जाते हैं और जो बिग फार्मर्स के बच्चे रह जाते हैं, उन्हीं के बच्चे जाकर स्कूल में तब पढ़ते हैं. What arrangements are made at your home for old and unwell family members when everyone goes for work? आप लोगों के घरों में जब हर कोई काम के लिए निकल जाता है, तो बूढ़े आदमी के लिए और छोटे बच्चों के लिए या फिर बीमार लोगों के लिए क्या सहूलियत रखते हैं? आंसर. ये सबकी अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने पूछताछ से लिखेंगे. फिर भी मैं एक आंसर बताती हूँ, सैंपल आंसर. इन माय होम लेडीज डू नॉट गो टू वर्क. सबके घर में तो लेडीज काम में नहीं जाती है. दे स्टे बैक एंड टेक केयर ऑफ एल्डरली एंड अनवेल फैमिली मेंबर्स. तभी वो लेडीज जो है वो घर में रुककर घर के बुजुर्ग और घर के अनवेल यानी कि बीमार लोगों की देखभाल करती है. तो इतना तक तो दशहरा तक का हमने पढ़ लिया है. देन आफ्टर दशहरा, जबकि वे लोग उस गांव को छोड़ के फिर काम की खोज में निकलना स्टार्ट किए होंगे. द कारवान ऑफ दीज फैमिलीज वुड नाउ सेटल नियर द सुगरकेन फील्ड्स एंड शुगर फैक्ट्रीज. मुकद्दम ने पैसे दिए तो उन्हें अभी शुगर फैक्ट्रीज में और शुगर केन के खेतों में काम करना था. लेकिन एक बात है बच्चों, अगर हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है किसी के यहाँ पर भी, तब भी वे अपने जमीन में शुगर केन की खेती कर सकते थे, जिसमें कि पानी की इतनी जरूरत नहीं होती है. लेकिन लोगों को पैसों के लिए ही, तो उन्हें मार्केट नहीं मिल पाता था, तो उन्हें दूसरों के यहाँ पे काम करना पड़ता था. सो इतना हम लोग पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं. उसके बाद आफ्टर दशहरा क्या करते हैं धानु के फैमिलीज और उनके गांव वाले, वो हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे. तो अभी तक के लिए ये सब आप लोग रेडी कर लीजिए. आंसर आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए. मैं सेकेंड पार्ट में पूरा लेसन करूँगी. तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए. उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा. और जो बेल नोटिफिकेशन आता है उसे भी क्लिक कीजिएगा. और क्लिक करते ही आपको नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में आ जाएंगे. उसके साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू.